आज मैं लोनावला के पास में हूँ। माउंटेन्स हेयर, माउंटेन्स दैट साइड, सूखा वाला नहीं, ग्रीन माउंटेन है, रोड टच प्रॉपर्टी है। कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, तो आप बड़े साइज का प्लॉट ले करके या बड़े साइज का भी विला ले सकते हो। बड़े आराम से यहाँ पे दो कार लगा सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ पार्किंग और अ पोर्च एरिया। अगेन यू हैव गॉट सिटिंग एरिया। बारिश हो रही है, कवर्ड रहोगे। जस्ट लुक एट द सीलिंग हाइट, सच अ ग्रेट सीलिंग हाइट। जस्ट लुक एट द साइज, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, इट इज सिंपली अमेजिंग। और बारिश के टाइम में द व्यू मजा ही आ जाने वाला है। मूवी थिएटर, गेम्स रूम, वर्क फ्रॉम होम स्पेस, जिम, चॉइस योर्स। जस्ट लुक एट द लेंथ फ्रॉम दैट साइड टू दिस साइड एंड लुक एट दिस लवली हाइट वंस अगेन। एंड आई प्रॉमिस यू, विला में ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है। बारिश होती तो आपको पूरा मिस्टी मौसम यहाँ पे देखने को मिलता, फॉग पूरा आपको देखने को मिलता, टच करता है इस एरिया को। एंड द प्राइस पॉइंट फॉर दिस विला, दैट्स व्हाट यू आर वेटिंग फॉर। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट। आज मैं लोनावला के पास में हूँ, 72 किलोमीटर्स फ्रॉम नवी मुंबई, 30-35 किलोमीटर्स फ्रॉम पूना। 6.5 एकड़ का ये विला का प्रोजेक्ट है, जिसमें सिर्फ 45 विला रहने वाले हैं। जस्ट व्यू देख लो आप। माउंटेन्स हेयर, माउंटेन्स दैट साइड, सूखा वाला नहीं, ग्रीन माउंटेन है। ओपन स्पेस देख लो आप, पूरा ओपन स्पेस उस तरफ भी काफी अच्छा है। यहां से दिखेगा नहीं, ऊपर से मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन, सामने जो है आपका विला रेडी है, सैंपल विला रेडी है। पीछे की तरफ पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन में है, काम अच्छे से चल रहा है, काफी स्पीड से चल रहा है। सामने मुंबई पुणे हाईवे है, तो सीधे आप प्रोजेक्ट के अंदर आओगे। नो नीड टू गो इन द गलियारास एंड ऑल। अंदर अंदर जा रहे हैं, विला बोल के कहाँ ले जाते हैं, लोनावला बोल के कहाँ ले जाते हैं, रोड टच प्रॉपर्टी है ये। अंदर चलेंगे, 2500 का कंस्ट्रक्शन है, 2500 का यूजेबल एरिया है, 2400 का प्लॉट है, ट्विन विला है, यू कैन हैव इट मर्ज इनटू टू, दोनों ले सकते हो आप। एक बड़े साइज का विला क्रिएट कर सकते हो। 2400 के अलावा इनके पास वेरिएशन है, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, तो आप बड़े साइज का प्लॉट ले करके या बड़े साइज का भी विला ले सकते हो, अगर आप इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो। अंदर चलेंगे, जी प्लस वन लेवल प्लस टेरेस का ये ऑप्शन है, सामने आपको बहुत क्लियर दिख रहा होगा। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस डेक, वो बालकनी उन्होंने जो प्रोवाइड करके रखी है। अच्छा, ये सिर्फ फ्रंट पार्ट में नहीं है, बैक साइड में भी है। अंदर की तरफ से आपको पूरा दिखाऊंगा, लेआउट काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा है। और उसके साथ ही चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और सारे स्पेसिफिकेशन और फ्लोर प्लान को समझते हैं। अगर आपको ये विला पसंद आता है तो नीचे एक लिंक दिया है, डायरेक्टली उसमें क्लिक करके आप बिल्डर से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 2500 ऑफ टोटल यूजेबल कारपेट एंड 2400 ऑफ प्लॉट। ट्विन विला है, मैं पहले बता चुका हूँ, कस्टमाइज कर सकते हो, चाहो तो पूरा ले सकते हो, चॉइस आपके ऊपर है। और इसमें तीन USP है, वो तीन USP वीडियो के एंड तक बताऊंगा। सबसे पहले USP आपको यहीं से दिखा दे रहा हूँ, ओपन स्पेस एंड सीनिक व्यूज आप देख लो पूरा, ये आपकी फर्स्ट USP जाती है। टॉप से एक बार और दिखा दूंगा मैं आपको। अंदर की तरफ चलेंगे एंड यू हैव योर इंटायर पार्किंग एरिया। पार्किंग आपका यहाँ तक है, आप बड़े आराम से यहाँ पे दो कार लगा सकते हैं। दिस कैन ऑल्सो बी यूज एज अ पार्किंग और अ पोर्च एरिया, चॉइस इज योर्स। जस्ट लुक एट दिस लवली फ्लोर टू टॉप ग्लास डोर्स, दीज आर डोर्स, दीज आर नॉट विंडोज, आप इसको पूरा ओपन कर सकते हैं फॉर अ बेटर वेंटिलेशन। दिस इज द सेकेंड USP, अंदर से और दिखाऊंगा कि आप इसको कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं। आप इसको पूरा ओपन कर सकते हो, अंदर की तरफ दिखाता हूँ चल करके। सो फर्स्ट यू हैव योर सिटिंग अरेंजमेंट, लुक एट द गार्डन एरिया इस तरफ में, पीछे की तरफ से भी कवर कर लेते हैं अंदर जाने के पहले। एंड बैक साइड में भी यू हैव योर स्मॉल गार्डन एरिया, यू हैव योर डक स्पेस एंड योर बैक गार्डन इन एल शेप। अगेन यू हैव गॉट सिटिंग एरिया। बारिश हो रही है, कवर्ड रहोगे। हम यहां से भी अंदर आ सकते हैं, जैसा मैंने बताया था पूरा डोर ओपन हो जाता है, तो हम यहां से भी अंदर आ सकते हैं। लेकिन हम शुरू से शुरू करेंगे, बैक साइड में जाने के लिए यहां से आपको एमिनिटी का एक्सेस रहेगा, तो बैक साइड में एमिनिटी को यूज करने के लिए आप यहां से जा सकते हैं। सो बेसिकली वो एमिनिटी भी आपको एक गार्डन का फील देगा। एंड ये तो सैंपल विला है,
अंडर कंस्ट्रक्शन का भी काम देख लो, काफ़ी स्पीड से चल रहा है। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। सो इस साइड में आपका ये फर्स्ट बेडरूम है। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं और पूरे के पूरे फ्लोर प्लान को समझ लेते हैं। डोर आप देख लीजिए सेम आपका हाइट का रहने वाला है। जस्ट लुक हाउ लवली द हाइट इज विद डिजिटल डोर लॉकिंग सिस्टम। अंदर में आते के साथ एक टिपिकल लेआउट है, तो अंदर में आने के बाद यू कैन क्रिएट योर लॉबी एरिया, मतलब वहाँ से आपने यहाँ पे एक सॉफ्ट लॉबी वॉल बना ली, सो आपका किचन इनक्लोज हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो पुट ए आइलैंड टॉप ओवर हियर, तो आपका यहाँ पे बेसिकली एक किचन फुल फ्लेजेडली रेडी हो जाता है। जस्ट लुक एट द कैबिनेट्स, विंडो इस तरफ में है फॉर बेटर वेंटिलेशन। प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए सेम सिमिलर आपको मिलने वाला है। टाइल्स आप देख लो आपको सेम सिमिलर मिलने वाला है। एंड यू कैन बेसिकली डिजाइन योर किचन दिस वे, स्पेस यहाँ तक है यूटिलाइज करने के लिए फॉर द किचन। एंड अंदर की तरफ आने के बाद यू हैव योर फर्स्ट बेडरूम। एंड जस्ट लुक एट द सीलिंग हाइट, सच अ ग्रेट सीलिंग हाइट। बेडरूम की टाइल्स देख लीजिए अलग है, सेम या सिमिलर आपको मिलेगी। एंड ये डोर जैसा मैंने बताया था आप इसको ओपन भी कर सकते हैं, इट गोज ऑल द वे टू दैट साइड, आपका पूरा ओपन हो जाता है। एंड दैट इज माय डियर फ्रेंड्स विला इज ऑल अबाउट, कम्स अटैच विथ वॉशरूम, साइज इज वेरी डिसेंट। देख लीजिए सेम सिमिलर टाइल्स ऑन द वॉल एज वेल एज ओवर हेयर। ओके एंड सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग की बात करेंगे तो वी आर यूजिंग जर्बेट ब्रांड विच इज अ वेरी पॉपुलर ब्रांड। दिस साइड यू हैव योर पाउडर एरिया, जस्ट हैव अ लुक एट दिस। एंड योर ह्यूज लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, just look at the size from this point to that point, it is simply amazing, amazing size hai aapka। length ki baat karu ya width ki baat karu, nothing is compromised। and again the added advantage, the ceiling height, this will be your third usp। fourth usp bhi batata hu aapko, third maine promise kiya tha, fourth surprise tha, wo main upar se aapko dikhaunga। so this way we go up। and लास्ट बट नॉट एंड वन मोर थिंग, ये पूरा ओपन करने के बाद जस्ट इमेजिन द काइंड ऑफ वेंटिलेशन यू आर गोइंग टू गेट। एंड लाइट बहुत मिनिमम यूज है, लेकिन सी हाउ वेल लिट दिस इज। और बारिश के टाइम में द व्यू मजा ही आ जाने वाला है। अंदर की तरफ चलते हैं। एंड ऑन द फर्स्ट लेवल यू गॉट थ्री बेडरूम्स, वन स्मॉल, वन मीडियम, वन मास्टर बेडरूम ह्यूज साइज। सबसे पहले स्मॉल वाला देख लेते हैं। सो साइजेस नीचे मेंशन हो जा रहे हैं। यू कैन कन्वर्ट दिस इनटू अ किड्स बेडरूम और एल्स यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू अ मूवी थिएटर, गेम्स रूम, वर्क फ्रॉम होम स्पेस, जिम, चॉइस योर्स। इस तरफ में अगेन ऑलमोस्ट 4.5-5 feet की आपकी डेक स्पेस है एंड इट गोज ऑल द वे टू दिस साइड। Look at the length from that side to this side and look at this lovely height once again। I mean ceiling height to matlab mazedar hai yahan pe, maine itna height abhi tak kahin nahi dekhe, but considering this is a villa we do not expect a compromise। andar ki taraf chalenge, so udhar se bhi aapka bedroom ka access hai from the balcony area, deck area, and here second bedroom jiska access balcony se bhi hai। And this is your second bedroom. Oh, I'm sorry, third bedroom. नीचे से काउंट करेंगे तो थर्ड बेडरूम ऊपर में ही है, दिस इज योर सेकेंड बेडरूम। एंड जैसा मैंने बताया था बालकनी का एक्सेस, थोड़ा सा सैलेज भाई इस तरफ पे आ जाइए। सो यहाँ से आपका व्यू आप देख लो, सिर्फ ऊपर से और दिखाऊंगा। आगे की तरफ चलते हैं। योर स्मॉल स्पेस कैन बी कंसिडर्ड एज अ ड्रेसिंग स्पेस, क्योंकि वार्डरोब के लिए तो स्पेस नहीं है। एंड योर वॉशरूम, वॉशरूम के स्पेसिफिकेशन पहले बता चुका हूँ, वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिंस विला का फिनिशिंग अभी भी चल रहा है तो थोड़ा बहुत कहते हैं, मतलब आपको थोड़ा बहुत कुछ इसमें प्रॉब्लम दिख रहा है, प्लीज डोंट माइंड दैट बिकॉज फिनिशिंग का काम चल रहा है। अंदर की तरफ मास्टर बेडरूम को देखेंगे एंड आई प्रॉमिस यू विला में
ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है. जस्ट लुक एट दिस मास्टर बेडरूम, सो ह्यूज साइज, अ बिग साइज ऑफ बेड. मिनिमल फर्नीचर रखा है मालूम है, बट अ बिग साइज ऑफ बेड. वार्डरोब लगाने की भी स्पेस काफ़ी अच्छी है. स्टडी टेबल लगाना है, वर्क फ्रॉम होम का डेस्क लगाना है, सोफा लगाना है, एडिशनल सिटिंग कॉर्नर्स लगाने हैं, आराम से लगा सकते हो, स्पेस ही इतना अच्छा है. एंड यू गेट द एक्सेस टू योर एंटायर डेक एरिया. एंड अगेन लुक एट द हाइट, लुक एट द टेक्सचर्स, लुक एट द टाइल्स, एवरीथिंग इज सो वंडरफुल. एंड सामने का भी व्यू देख लो, क्योंकि यहाँ एमिनिटी आ रहा है तो आपको एक गार्डन की फीलिंग भी आएगी. लेट्स चेक आउट द मास्टर वॉशरूम. ये आप डायरेक्ट देख लो, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो अब हम आपसे सीधे टेरेस में मिलते हैं, चलिए. ओके, सो द फोर्थ यूएसपी वाज द डेक एरियाज, व्हिच वाज अ सरप्राइज. नाउ लेट्स चेक आउट द रिलैक्सिंग व्यू, द सीनिक व्यू. बारिश होती तो आपको पूरा मिस्टी मौसम यहाँ पे देखने को मिलता, फॉग पूरा आपको देखने को मिलता, टच करता है इस एरिया को. अनफॉर्चुनेटली हम इस दिन शूट करने के लिए आए जिस दिन रेन्स नहीं हो रहा है, बट देन जस्ट हैव अ लुक एट दिस टेरेस. फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड टू अगेन दिस साइड. बार बना लो, बारबेक्यू काउंटर बना लो, छोटा गार्डन बना लो, द वे यू वॉन्ट यू कैन इसको सजा सकते हो. छोटे मोटे कस्टमाइजेशन अवेलेबल हैं, छोटे मोटे कस्टमाइजेशन आप अपनी तरफ से करा सकते हैं. बाकी सारी चीज़ें, द ब्यूटिफिकेशन इज टू बी डन फ्रॉम योर साइड. आई विल जस्ट एडमायर द ब्यूटी आउटसाइड. वंस अगेन आई टोल्ड यू, यूएसपी नंबर वन, द सीनिक ब्यूटी ऑल अराउंड दिस प्लेस. जैसा पहले बताया था, 32 किलोमीटर, 30-35 किलोमीटर फ्रॉम पूना, 70-75 किलोमीटर फ्रॉम नवी मुंबई. लोनावला थोड़ा सा आगे जाने के बाद ही है, हार्डली 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में. पसंद आता है इंक्वायर करें. एंड द प्राइस पॉइंट फॉर दिस विला, दैट्स व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, 2 करोड़. विला पसंद आता है इंक्वायरी करें, वीडियो पसंद आता है सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.